तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने स्नैपचैट अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं। तो वीडियो से यदि आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्नैपचैट अकाउंट को प्राइवेट करने के लिए आपको सबसे पहले स्नैपचैट को ओपन कर लेना है। जैसा आप स्नैपचैट को ओपन कर लेंगे तो आपसे यहाँ पे अलाउ मांगता है, तो आपको यहाँ पे अलाउ वगैरह दे देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में प्रोफाइल का एक लोगो दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप अपने स्नैपचैट अकाउंट को प्राइवेट करना चाहते हैं तो स्नैपचैट में कोई ऐसा डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है जिसपे आप क्लिक करके या फिर ऑन करके अपने अकाउंट को प्राइवेट कर सकें। बट दोस्तों स्नैपचैट में कुछ ऐसी प्राइवेसी सेटिंग है, यदि आप उसको कर लेते हैं तो आपका स्नैपचैट अकाउंट पूरी तरह से प्राइवेट हो जाएगा। तो कौन सी सेटिंग करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे नीचे माई स्टोरी के नीचे देखेंगे न्यू प्राइवेट स्टोरी का ऑप्शन मिल जाता है। न्यू प्राइवेट स्टोरी का मतलब है दोस्तों आप जिसको सिलेक्ट करेंगे वही आपके स्टोरी को देख पाएगा। लेकिन यदि आप अपने स्नैपचैट के अकाउंट को पूरी तरह से प्राइवेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में एक सेटिंग का लोगो दिखाई देगा या फिर ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की साइड में आ जाना है। जैसा आप यहाँ पे नीचे की साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्राइवेसी कंट्रोल का। अब प्राइवेसी कंट्रोल में आप यहाँ पे कुछ सेटिंग करेंगे, इसके बाद आपका स्नैपचैट अकाउंट प्राइवेट हो जाएगा। तो कौन सी सेटिंग करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट मी का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। एंड इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि हमें स्नैपचैट पे ढेर सारे फालतू के मैसेज आते रहते हैं, कॉल वगैरह आते रहते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपके जो भी स्नैपचैट पे मैसेज आए वो आपको फालतू के मैसेज ना दिखाई दे, आपके जो फ्रेंड है सिर्फ वही आपके मैसेज कर सकें, तो आपको यहाँ पे सिंपली फ्रेंड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों क्या होगा कि यदि आपके पास कोई एक अननोन पर्सन आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा या फिर आपको मैसेज करेगा तो वो मैसेज आपके पास नहीं आएगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पे फ्रेंड के इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा व्यू माई स्टोरी का, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब दोस्तों यदि आपका यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स ओनली सिलेक्ट है तो आपका जो स्टोरी है वो आपके फ्रेंड ही देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि हमारे फ्रेंड में ही कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो कि स्टोरी लगाने पे कमेंट में या फिर मैसेज में कुछ भी लिख के भेज देते हैं कि ऐसा स्टोरी है, तुम्हारा खराब स्टोरी है या फिर फोटो खराब है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कस्टम का, आप इस पे क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने बाद दोस्तों अब यदि आपके स्नैपचैट के स्टोरी पर कोई फालतू का मैसेज कमेंट करता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे उसके अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। अनसेलेक्ट करने बाद जैसे आप यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों वो ब्लॉक हो जाएगा। और दोस्तों आप स्टोरी कोई भी लगाएंगे तो उस पर्सन को दिखाई ही नहीं देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड को सभी को दिखाई दे तो आपको यहाँ पे पहला सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप चाहते हैं कि कोई एक बंदा को ब्लॉक करना तो आप यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कमेंट्स सेटिंग का, आपको यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके स्नैपचैट अकाउंट पे कोई अननोन पर्सन फालतू का कमेंट ना कर पाए तो यार आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाता है जिसे आप मैन्युअली सेट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है मैन्युअली अप्रूव का, दूसरा ऑटो अप्रूव माई फ्रेंड, ऑटो अप्रूव एवरीवन का। अब दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपका जो भी स्नैपचैट का अकाउंट है आप फोटो वगैरह अपलोड करते हैं तो आपके फ्रेंड ही कमेंट कर पाए अच्छा है या फिर खराब है, कुछ भी कर सके या फिर कमेंट कर सके, तो आपको यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सी मी इन क्विक एड, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों होता क्या है कि जब भी आप स्नैपचैट को यूज करते हैं तो आपके पास ढेर सारे सजेशन में अलग अलग प्रकार के अकाउंट आते हैं। अब दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपका जो भी अकाउंट है वो किसी के पास सजेस्ट ना हो, किसी के पास ना जाए, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इस ऑप्शन को ऑफ कर लेना है। जैसे आप इस ऑप्शन को ऑफ कर लेंगे तो आपका अकाउंट किसी को भी सजेस्ट नहीं करेगा, किसी के भी पास नहीं जाएगा, तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑफ ही रखना है। इसके बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक्टिविटी इंडिकेटर का, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप चाहते हैं कि जब भी आप स्नैपचैट पे ऑनलाइन आते हैं तो किसी को ना पता चले कि आप स्नैपचैट पे कब ऑनलाइन है, कब ऑनलाइन आए, कब ऑनलाइन गए, तो आपको यहाँ पे सिंपली इस ऑप्शन को ऑफ कर देना है। तो जैसे आप स्नैपचैट में इतना सेटिंग कर लेते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो स्नैपचैट का अकाउंट है वो प्राइवेट अकाउंट में आ जाएगा, आपका अकाउंट प्राइवेट की तरह देखा जाएगा, फिर प्राइवेट अकाउंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने स्नैपचैट के अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं। तो वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।